मुझको बहुत चिढ़ाते हो, मेरे पीछे बैठी है, चिढ़ाने में लगे हो ना। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। उमा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तुम चिढ़ाओ ना, एक तो बाल कटवा के जाने कैसे आ गए हो, अब मेरे को देखता है तो अपना टकला बजाने लगता है। और कल गया था बाल कटवाने, जैसे मैंने देखा इसका सर, तो मुझे बहुत गुस्सा लगी कि शायद तुमने बहुत ख़राब बाल कटवाए। मैंने बोला था कि इधर के बड़े रखवाना, थोड़ी से नीचे नीचे के छोटे छोटे करवाना। अरे यहाँ जीरो नंबर चली, यहाँ एक नंबर चली बस। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा सब जगह वो जीरो जीरो है। पर कोई बात नहीं, कटवाया हो जाएंगे बड़े, पर अच्छे नहीं लगते हैं ना। अब थोड़ी सी यहाँ बड़े रखवाने, एक दो साल में बड़े होंगे, कहे कि मेरे बाल जल्दी बड़े नहीं होते। मेरे को बहुत गुस्सा लगी, थोड़ी सी इधर के बड़े करवा लो, बोली रानी की इधर से बड़े करवा लेना, नीचे नीचे के छोटे। हमें ये देखो रानी कितनी सुंदर लग रहा है, दांत छोड़ो, उसको परेशान ना करो, छोड़ दो। चलो खाना दे तुम्हें, खाना चाहिए, खानी चाहिए, खाना चाहिए। बड़े हो जाएंगे, अरे गलती हो गई। तो दोस्तों सुबह का खाना मेरा बन चुका है, अब जा रही हूँ, पहले बिस्तर सही करूँगी। बिस्तर सही करने के बाद आज निकली है धूप उगते, सुबह से निकली है, तो जा रही हूँ पैरदान डाल दूँ। कल दो दिन तो निकली ही नहीं है, और कल निकली थी हल्की, तो पैरदान डाल दिया था तो आधे सूखे हैं, और कपड़े तो पूरे सूख गए थे, मोटे हैं पैरदान, तो आधे अभी सूखे हैं, आधे गीले हैं। जा रही हूँ उनको डाल दूँ, फिर नीचे का काम शुरू करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी, और आज भी कपड़े धो दूँगी, क्योंकि दो दिन कपड़े ही नहीं धुले हैं, पानी बरस रहा था, धुलने से फायदे ही नहीं, तो सूखते नहीं। ऐसा लग रहा है ये डिजाइन से बढ़िया कलर आ रहा है। डिजाइन कहाँ पे, वो आगे बाल है ना, पर अब ऐसे कटवाना नहीं शायद, जैसे कटवाया मैंने बोला था कि इधर के बड़े करवाना, नीचे नीचे के छोटे, तो पूरे में करवा के आ गया। ऐसे ही कटाता है, अकेले जाता है ना, तो पूरे छोटे करवा के आ जाता है। पापा जाते हैं तो सही से कटवा देते हैं, नहीं तो ऐसे ही कटाता है। कहीं तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बाल, और स्कूल में मारते हैं, फिर बाल पकड़ के, बाल छोटे रहते हैं तो सही रहता है। मैंने खाया आज तक मार। अब खाओगे ना, पढ़ाई करोगे, नहीं तो खाओगे ना, खाओगे मार, शरीर तभी तो मार खाओगे। मना बड़े बाल करना, नहीं तो बड़े मम्माती खचा ए भैया के यहाँ सफा चक मैदान कर दिया। बालों से कुछ नहीं होता है, बाल बड़े रखाना वो करना, पढ़ाई पे ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी। क्या जरूरी सबसे ज्यादा, बाल जरूरी है कि क्या जरूरी, दिमाग में भरना, पढ़ाई। हाँ। भी चलो सर, जल्दी से मैं बिस्तर सही कर दे रही हूँ, चलो चल क्या बिस्तर सही कर दूँ, चलो फिर पैरदान डालने। धूप निकली है, कोई भरोसा नहीं है, हो सकता दोपहर तक बादल आ जाए। देखिए दोस्तों, अपने हाथ से दाने निकाल निकाल के डालती है, जब तक अपने हाथ से दाने नहीं निकाल लेती तो इसका मन नहीं भरता। दे दो ऐसे निकाल निकाल के खाती रहेगी शायद। मैं जा रही हूँ बिस्तर सही करूँ, जल्दी से काम करें, पैरदान डालूँ, पता चले दोपहर तक धूप चली जाएगी, बादल आ जाएंगे, पैरदान भी नहीं सूखेंगे, दो दो दिन से सड़ रहे हैं। चलो रखो दाना, रखो जाके, अब ये खा के सो जाएगी, मन होगा तो थोड़ी बहुत देर मस्ती करेगी। तुम्हारी बनी नहीं, मैं बनियान पहनता कहाँ। पूरे बिस्तर सिलाई सिलाई मशीन काम कर। आई बदबू कर रहे हैं बंद, अरे दादा
सड़े सड़े गीले की वजह से। ये कौन सी प्रजाति का घोड़ा है लुग रहा है? हैं? ये कौन सी प्रजाति का घोड़ा है लुग रहा है? कौन? वो। नीला है ना? हाँ, वो वाला। कौन? ये। ये वाला? हम्म। ये भी मैंने पहली बार देखा है। इसमें तो कईयो नहीं है, कईयो वो निकले हुए। ये कौन सी है? दूसरा पेड़ है, अलग अलग। चलो, अलग अलग प्रजाति के। चलो ना, आज मंदिर में भंडारा बटेगा। हाँ, चलो आजा। आ, मेरे को बाहर धुलाई भी करनी है जल्दी से, काम करे टाइम हो जाता है। आजा, ये काहे छोड़ दिए? वो भी जल्दी से निकाल ले, आ जल्दी, वैसे भी गिर जाएंगे। जब निकाल ही रहा तो उनको भी निकाल ले। अच्छा, इनकी डंडी भी मोटी है। अच्छा, ये वो बनाए हुए हैं ना, हैं? कलम से बनाए हुए हैं ना। दोस्तों, मम्मी जा रही है धुली करने, है ना मम्मी? आप धुलाई करने जा रही हो? बाहर काम करती है। मैंने बिस्तर सही कर दिया, ऊपर पैरदान डाल आई हूँ, बाहर धुलाई कराई हूँ। तुम क्या करने में लगे हो? मार खाना है क्या? धुलाई कराई हूँ, बाल्टी खाली हो गई, मैंने लगा दिया पानी चालू करके बाल्टी पर। मार दूंगी मैं शायद, समझ लेना। देखो, पाइप बदलो, पानी बह रहा है। मैंने चालू कर दिया, बाल्टी खाली हो गई ना, बाहर धुलाई कराई हूँ। तो अब चलो तुम नहा लो और मैं भी जा रही हूँ काम शुरू करूँ। आज मुझे लग रहा है कि 3:30 या 4 बजे से पानी आ रहा है, क्योंकि 4 बजे उठी थी, चालू था पानी, वो बह रहा था, तो पानी मेरा भर गया था, बंद कर दिया था। अभी धुलाई करके आई, बाल्टी खाली हुई तो लगा दिया। तो टकला स्वामी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। साहिल बोल रहा है मेरा टकला आप लोगों को पैसा लग रहा है, मेरे बाल टकला स्वामी, मेरी बाल टकला स्वामी, टकला स्वामी मेरा, मेरी बाल साहिल की बाल कटिंग अच्छी लगे आप लोगों को तो जरूर कमेंट करना टकला स्वामी। चलो ना, मैंने लगा दिया पानी, और 3 दिन से पानी ही नहीं आ रहा था। पानी लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने ढंग से पोछा भी नहीं लगाया। आज पानी आ रहा है तो आज जा रही हूँ पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। परसों भर गया था कमरा, दोनों कमरे भर गए थे, तो कमरों में तो पोछा लगाए नहीं 3 दिन से, क्योंकि बहुत गीले थे। और आज सब जगह लगाऊंगी फिनाइल डाल के, तो जा रही हूँ पोछा लगा लूंगी थोड़ी थोड़ी देर में। और इसके कनगुजी पे लगा रही हूँ एक झापा, तो ये जाएगा नहाने, नहाने के बाद पड़ेगा, ऐसे मस्त आता रहेगा। यही हफ्ता लाला बचा है, आज शनिवार है, कल संडे, संडे तो आएगा, संडे संडे, कल शनिवार संडे तो आएगा, संडे संडे संडे, पता चलेगा तुमको। दोस्तों, मिलती रहूंगी थोड़ी थोड़ी देर में। अब इसकी कनगुजी जरा तोड़ दूं, 2-4 झापड़ लगा दूं, तब ये नहाएगा और पढ़ने को बैठेगा। दोस्तों, कुछ नहीं फूटेगा, फूटेगा नहीं, बैठेगा चटाक चटाक, नहीं बैठेगा, बैठेगा। जब बैठता है ना तो तुम्हें पता चलता है कैसा बैठता है। अच्छा बैठता है। अब वो अच्छा हो चाहे जैसा हो, बैठता है तो जिसके बैठता है उसको पता चलता होगा कैसे बैठता है। तो पतंगियाँ लगती हैं फिर।
छोटे मार नहीं खाए, बड़ा घोड़ा हो गया तो मार खा रहा है। कह रहा छोटे मार नहीं खाए, बड़ा हो गया तड़ा तड़ मार खाता हूँ। नहीं घोड़ा हो ऐसे पूछता रहेगा, ऐसे मस्त आता रहेगा। मैं जा रही हूँ काम शुरू करूँ, पानी आ रहा है अभी। देखिए दोस्तों कहाँ पर लेटी हुई है, तीन कुर्सी है, टेबल है, फिर कुर्सी है, फिर लेटी हुई है। अभी सो जाएगी, खाना खा के आई सो जाएगी, पूरी रात नहीं सोती है। दो दिन पानी बरसा तो छोटी छोटी सी मेंढक के बच्चे आ गए हैं, तो उन्हें मारती रही थी। उसकी मम्मी को शिकायत करना पड़ेगा। सुबह मैंने दो तीन भगाए थे गेट से, पता नहीं कहाँ से आ गए, झींगुर काले काले, उनको भी मारती रहती है। बहुत कपड़े खाते हैं। झींगुर थे, उनको भी बाहर झाड़ू से किया था। कीड़े मारने पानी बरसा है ना, कीड़े मारने वाले आदमी को बुलाना पड़ेगा। आ जाओ उसको सोने दो, आ जाओ आ चलो। देखिए अब दोस्तों ये सो जाएगी, क्योंकि पूरी रात सोती नहीं है, अभी सो जाएगी। कहाँ लेटी हुई देखा है, कितनी ऊँची लेटी हुई है। अभी सो जाएगी, दूध भी पी चुकी है और खाना भी खा चुकी है, अभी सो जाएगी। पूरी रात नहीं सोती है, दो दिन पानी बरसा है तो झींगुर कॉकरोच बहुत हो गए हैं। नाली से आ गए होंगे, क्योंकि इतना तेज पानी बरसा था कि रोड और नाली बराबर पूरी भरी हुई थी। बहुत बहुत रात में पानी बरसा था तो झींगुर और कॉकरोच बहुत गेट पे आते हैं, पूरी रात गेट पे रहती है, उनको मारेगी भगाएगी। काले वाले झींगुर आ गए, कपड़े भी बहुत काटते हैं, उनको भगाती रहती है। और छोटे छोटे मेंढक के बच्चे आ गए हैं तो उनको मार मार के भगाती रहती है। और चूहा भी आ रहे हैं तो उनको भी भगा देती है। और छिछुंदर है, बहुत चौकीदारी करती है, साहिल बोल रहा चौकीदारी करती है। छछुंदर है, उसको भी भगा देती है। चूहा आते हैं, उनको भी भगा देती है। पूरी पूरी रात चौकीदारी करती है, पूरा दिन सोती है। और छिपकली के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी पीछे पड़ी रहती है, गेट से भगा देगी या तो मार के डाल देगी। छिपकली तो छोटा छोटा मक्खी का मक्खी से मारती है, मक्खी को तक मारती है, मक्खी पा देख लेगी उड़ते घूम रहे हैं तो उनको मारेगी। और छिपकली की बच्चा मार के डाल देगी, किसी दिन मुझको ना मार के डाल दे। साल कह रहा किसी दिन मुझको ना मार के डाल दे। अब वो सो जाएगी, पूरी रात चौकीदारी करती, पूरा दिन सोती है। अब मैं जा रही हूँ अपना काम शुरू करूँगी और साहिल नहा के पढ़ाई शुरू करेगा, तो मिलती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में। बाय बाय बाय। इस गरीब लड़के का टकले का सहारा दो। पागल, पानी चला गया, मैंने नल भी बंद कर दिया, बाल्टी से रबड़ भी हटा दी। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने, खाना भी खा लिया मैंने। धागा भी ले आया हूँ। बाय बाय टाटा, सी यू। पहले मेरी बेड के नीचे गर्दन घुस जाती थी, कैसे बांधूंगी? अपने बांध के दिखा, अपने बांध के बांधूंगी तो बोल जाऊंगा तो जेल चली जाऊंगी। नाली का उल्टा अंदर आया ना तो काला काला था ना, छुप गए होंगे नाली का उल्टा अंदर आया ना तो काला काला था, पाइप से फर्श में जम गया था, कमरे में आंगन में तो छुपा हटाया था, दो दिन पानी नहीं है, पोछा नहीं लगाया तो छिछरा छिछरा और पढ़ने जा रहा हूँ। बाय बाय टाटा, सी यू, बाय बाय, पोछा लगाओ। काम करते करते लगाई थी प्यास। दोस्तों मैंने पोछा लगा लिया है, कपड़े भी धुल लिए हैं और बर्तन भी धुल लिया है। अब जा रही हूँ नहाने, लगी थी मुझे जोर से प्यास, तो मैं पहले पानी पीऊँ फिर नहाऊंगी। आज मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया है तो आज सीलन की बदबू कम हो गई है, पूरी नहीं कम हुई है पर आधी कम हो गई है।
दो दिन पानी नहीं आया तो उतने अच्छे से पोछा नहीं लगा पाई थी, तो अंदर के दोनों कमरे तो बहुत सीलन से सिलाई सिलाई महक रहे थे, क्योंकि पूरे भर गए थे दोनों कमरे, वो ज़्यादा महक रहे थे। तो आज अच्छे से फिनाइल डाल के पोछा लगाया तो आज थोड़ी सही लग रहा है। तो जा रही मैं नहा लेती हूँ, बहुत तेज़ प्यास लगी थी, मैं पहले पानी पी लूँ फिर नहाऊँगी, पसीना निकलता है बहुत प्यास लगती है, पोछा लगाने में बहुत पानी पीती हूँ। जा रही हूँ नहा लेती हूँ, मिलती हूँ नहाने के बाद। दोस्तों नहा चुकी हूँ मैं, नहाने के बाद सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने पैर की सिकाई, वो यहाँ पर ये बर्फ और ये मेरा तवा गरम, तवा गरम के ऊपर रख दिया मैंने कपड़ा, कपड़ा गरम होगा जब तक मैं बर्फ़ से सिकाई करे ले रही हूँ। सुबह नहीं सिकाई किया था, पहले मैं अपने पैर की सिकाई कर लूँ, क्योंकि चोट लग गई थी तो दवा खाने से आराम नहीं लग रहा था और ना दवा लगाने से, तो मैंने बर्फ़ से सिकाई की है गर्म कपड़े से तो आराम लगा है। सुबह मैंने सिकाई नहीं की थी तो मैं पहले सिकाई कर लूँ फिर खाऊँगी खाना, तो मिलती हूँ सिकाई करने के बाद। मैंने पैर की सिकाई कर ली, अब जा रही हूँ बर्फ़ की पोटली रख दूँ फ्रिज में और अब जा रही हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि नहाने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है। अब जा रही हूँ खाना खाने, मैं सोचा कि लाओ पहले सिकाई कर लेती हूँ, पता चले खाना खाने के बाद याद ना रहे तो सिकाई ना करूँ, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं एक दो दिन और सिकाई कर लूँ तो सही हो जाए। जा रही हूँ खाना खाने, खाने में क्या बनाया है दिखाती हूँ। दोस्तों खाने में मैंने बनाया है सोयाबीन बरी की और आलू की सब्ज़ी और यहाँ पर है मेरी रोटी। आज कोई हरी सब्जी नहीं थी तो मैं कल आवा सोयाबीन की बरी और आलू मिला के सब्ज़ी बना लेती हूँ, मैंने बनाया था। जा रही हूँ अब खाना खा लेती हूँ, साहिल तो खा चुका है। यहाँ पर टीवी भी मेरे मनपसंद चैनल लगा हुआ है और साहिल क्या करो चलो खा लो थोड़ी सी, मेरे भूख नहीं, मैंने खा लिया, मैंने बोला था सुबह कि कम खाना मेरे साथ खाना, थोड़ी सी खा लो। दोस्तों मैं खाना खाने जा रही हूँ, ये अचार का डिब्बा, ये सब्जी और ये है रोटी, थोड़ी सी आप खा लो हैं। दोस्तों मैंने खाना खा लिया, अब जा रही हूँ मैं तुरपाई करने, अब जा रही हूँ बैठे बैठे तुरपाई करूँगी। साहिल बोला था चलो खाना खाए, कह रहा था मैंने खा लिया मम्मी अब नहीं खाऊँगा, अब बोल रहा है गुड़ और रोटी और घी तीनों चीज़ मिला के मेरे को दे दो, तो अब जा रही हूँ रोटी गरमाऊँगी, घी चुकाऊँगी और गुड़ इसको मिला के दे दूँ, फिर तुरपाई करना शुरू करूँगी। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।